और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुछ देर पहले न्यूज 18 ने आपको बताया था सूत्रों के हवाले से खबर, सबसे पहले हमने आपको बताई थी कि आज सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। गृह मंत्रालय ने सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है। बिल को पास कराने के बाद यह रुका हुआ था, मामला रुका हुआ था, एक ड्रायरन जैसी स्थितियां चल रही थी, ट्रायल जैसी स्थितियां चल रही थी। गृह मंत्रालय ने तैयारी पूरी कर ली और अब गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जो दूसरे देशों से आते हैं उनकी नागरिकता का रास्ता हो जाएगा साफ। कुछ देर पहले न्यूज 18 ने आपको बताया था कि आज यह अधिसूचना जारी हो सकती है। शैलेंद्र बांगू हमारे नेशनल एडिटर, वो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा था सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आखिरकार वही हुआ, न्यूज 18 ने जो खबर आपको दिखाई, लीजिए आपकी स्क्रीन पर, सीएए की अधिसूचना, सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। लगातार हम आपको बता रहे थे कि आज ये अधिसूचना जारी हो सकती है, आज रात तक जारी हो सकती है, कल सुबह तक, लेकिन उससे पहले ही सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की तैयारी पूरी, यानी रास्ता साफ। जो दूसरे देशों से आए हैं उनकी नागरिकता का रास्ता साफ। कई सारे संशोधन है, 2019 का जो संशोधन हुआ उसमें कई सारे संशोधन है। 55 से लेकर और अब तक तकरीबन 5 से 6 बार सीएए नागरिकता कानून में संशोधन हो चुका है। एक छोटा सा मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल लिया जाए, पहले 11 साल रुकना पड़ता था, 11 साल बाद उसकी प्रोसेस होती थी, अब उसके लिए सिर्फ 6 साल का इंतजार करना होगा। सीएए को लेकर अधिसूचना जारी, हमने आपको बताया था कि कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है, आज शाम को जारी हो सकती है या कल सुबह अधिसूचना जारी हो सकती है। और आखिरकार यह बड़ा ऐलान, सीएए को लेकर अधिसूचना जारी। अनूप गुप्ता हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आखिरकार जो न्यूज 18 ने बताया था कि आज ये जारी हो सकती है सीए को लेकर अधिसूचना जारी हो गई। जी अनूप, बिल्कुल, देखिए भारत सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। लगातार जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि लागू हो जाएगी, तो लागू कर दिया गया है, आधिकारिक सरकार की तरफ से करी गई है। देखिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी 2019 में भी कि सीएए लागू, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव कह सकते हैं कि सर पे, चलिए आवाज की कुछ दिक्कत है, एक बार फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे अनूप से। और सीए के लागू होने से क्या कुछ, सीए से जुड़ी जो तमाम जानकारियां वो नीचे आप देख सकते हैं। 3 पड़ोसी देशों के शरणार्थियों को इसके बाद नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इसके अलावा भी देश हैं। हिंदू, सिख, बौद्ध शरणार्थी अब आसानी से भारतीय नागरिक बन पाएंगे। जैन, ईसाई, पारसी जो शरणार्थी हैं वो भारतीय नागरिक बन पाएंगे। अवैध तरीके से जो भारत पहुंच गए गैर मुस्लिम हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। केंद्र के पास भारतीय नागरिकता देने का अधिकार होगा। न्यूज 18 पर एक खबर चलाए जाने के बाद यह बात भी जानकारी आई कि प्रधानमंत्री आज चर्चा करने वाले हैं और माना यह गया कि सीए से जुड़ी ही वो चर्चा हो सकती है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाए कि प्रधानमंत्री आज जब आएंगे तो किन मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जैसा कि हमने जानकारी दी थी अधिसूचना जारी। नहीं बिल्कुल, देखिए हाँ सर पे है, एक सप्ताह के अंदर अंदर चुनाव के तरीकों की घोषणा हो जाएगी। और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी लागू करने का वायदा बीजेपी की तरफ की गई थी। अब बीजेपी की सरकार जब ये पूरा कार्यकाल कह सकते हैं हो रहा है, उसे पहले अगर सीए को इम्प्लीमेंट करने की घोषणा करती है तो बड़ा कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, बड़ा फैसला है कि जितने भी वायदे बीजेपी सरकार की तरफ की गई उसको सरकार, मौजूदा सरकार ने पूरा किया। रहा सवाल, कई सवाल किए जा सकते हैं, कितनी देरी क्यों हुई, क्योंकि इसकी पूरी प्रक्रिया थी जिसको गृह मंत्रालय ने माना, उसकी प्रक्रिया को पूरा किया। किस तरीके से हमने देखा कि लॉ कमीशन से इस पर सजेशन लिया गया, जो भी इसके स्टेक होल्डर थे उनसे सजेशन लिया गया,
और उसके बाद फाइनली जो है वो इस पर मुहर लगाई गई। बड़ा फैसला